नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या करें जब कोई छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाए। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, राइट, और बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक नेचर होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर कुछ और ही हो जाते हैं, राइट। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लोगों के अपने अपने नेचर हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लो आपने किसी ने मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, दे गॉट कि मैंने तुमसे इतना एक्सपेक्टेशन मैंने की थी और तुमने रिप्लाई नहीं किया, ये वो सारी चीज़ें। या फिर अगर किसी ने आपको कॉल किया, यू डिडंट कॉल दैट पर्सन बैक, कुछ मिनट्स के अंदर द पर्सन गॉट मुझे कॉल बैक नहीं किया। तो एक ईगो भी है और कहीं ना कहीं एक वो जो नेचर है वो भी है। तो ईगो तो उनकी प्रॉब्लम है, नेचर उनकी प्रॉब्लम नहीं है, नेचर वो है, राइट। सो यू कांट चेंज समवनस नेचर, आप किसी के ओपिनियन को और नेचर को चेंज नहीं कर सकते, दैट्स नॉट इन योर हैंड। तो उसको लेके कभी वो मत करो कि नहीं, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, यू कांट चेंज दैट। तो बस आप इसको लेके वो मत फील करो, नहीं, अगर कोई आपसे नाराज़ हो रहा है, दैट्स इट, कोई खुश हो रहा है, वो सबका अपना अपना नेचर होता है, सबका अपना अपना कर्म होता है, आप जैसा कर्म कर रहे हो वैसा आपको मिल रहा है, राइट। तो उसको लेके अगर नाराज हो रहा है तो दैट्स अप टू यू, अगर आप खुश हो रहे हो दैट्स अप टू यू, राइट। तो कोई आपसे खुश भी हो सकता है, कोई आपसे नाराज भी हो सकता है, उसमें आपके कोई पार्टीशन भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके कभी ये मत फील कीजिए कि नहीं, कोई आपसे नाराज क्यों हो जाता है या फिर आपसे कोई खुश क्यों हो जाता है, क्योंकि वो लोगों के ऊपर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। तो बस इस चीज़ को लेके चलिए कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लोगों के अपने अपने नेचर हैं। अगर सीधी सिंपल सी बात करें तो लोगों का अपना अपना टेस्ट है, बस आप टेस्ट चेंज नहीं कर सकते, आप उनके थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने जाओगे तो आप खुद ही चेंज हो जाओगे, इसलिए अच्छा चिल रहने का, दैट्स अप टू देम। हाँ, यू कैन से सॉरी, यू कैन बी अपोलोजेटिक, हाँ मैंने गलती हुई, मेरे से सॉरी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सॉरी बोलने से ना तो आप छोटे हो जाओगे ना सामने वाला इंसान बड़ा हो जाएगा, लेकिन बस बात होती है, बात बनाने से बनती है और बात नहीं बनाने से फिर ख़त्म हो जाती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। से सॉरी इफ़ यू फील सो, इफ़ यू डिडंट इट्स ओके, बट कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बात पर अगर कोई नाराज हो जाए या फिर छोटी छोटी बातों पर कोई खुश हो जाए, कूल, बी ओके विद इट, नो इशूज, बस इतना समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त, पीस।